एकनाथ शिंदे के सम्मान में पवार ने लगा दी संजय राउत की क्लास। संजय राउत अक्सर पवार की तारीफ करते नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे की जब सरकार बनी तो संजय राउत पवार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। महाविकास अघाड़ी बनते ही संजय राउत के सुर ऐसे बदले जैसे एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका सात जन्मों का रिश्ता जुड़ गया हो। हर मुद्दे पर वो खुलकर राहुल गांधी और पवार का समर्थन करने लगे। लेकिन वही कांग्रेस और एनसीपी की अगर हम बात करें तो वो समय समय पर संजय राउत को बीजेपी की तरह ही औकात दिखाती रही। संजय राउत की अब हालत ठीक वैसे ही हो गई है जैसे ही ना वो घर के रहे हैं और ना ही वो घाट के रहे हैं, क्योंकि अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी से मुंह मोड़ वो पहले ही चुके थे और अब कांग्रेस और एनसीपी उन्हें मौके मौके पर अपमानित करती ही रहती है। कुछ दिन पहले ही अजीत पवार ने संजय राउत को फटकारा था और कहा था कि संजय राउत एनसीपी के प्रवक्ता ना बने, वो अपना काम करें, अपने पार्टी के ही प्रवक्ता रहें। और एनसीपी के बारे में बोलने वाले संजय राउत कौन होते हैं? और अब फिर से जूनियर पवार ने संजय राउत को एक बार फिर फटकार लगा दिया है और दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार और उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल संजय राउत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जमीन पर थूक दिया था, क्योंकि उनसे सवाल एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के बारे में पूछा गया था। पत्रकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अब इतना सुनते ही संजय राउत ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, वो जमीन पर थूकने लगे। और अब संजय राउत ने जिस तरीके की हरकत की वो जूनियर पवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भले ही महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता हों, भले ही संजय राउत के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन उन्होंने गठबंधन के इतर संजय राउत को फटकार लगा दी और संजय राउत को चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि राजनीति में बोलते समय सभी को मर्यादा रखनी चाहिए। अब पवार ने जिस तरीके से संजय राउत को चेतावनी दी और फटकार लगाया, संजय राउत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और संजय राउत ने भी अजीत पवार के करीब 10 साल पहले एक बयान का जिक्र किया जिसमें एनसीपी नेता अजीत पवार ने खेतों के लिए पानी मांगने वाले एक व्यक्ति को डांट दिया था। अजीत पवार ने उस वक्त कहा था कि क्या उन्हें बांध में पेशाब करने जाना चाहिए जिससे किसानों को पानी मिल सके। अब इसी बयान को आधार बनाकर संजय राउत ने कहा कि थूकना बांध में पेशाब करने से बेहतर है। उद्धव के करीबी संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बयान देते हुए आगे भी कह दिया कि सलाह देना अच्छी बात है, लेकिन हम पीड़ित हैं और फिर भी हम अपने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करते, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि भले ही हम समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग में भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में नहीं सोचा। संजय राउत के इस बयान पर अजीत पवार ने फिर से जवाब दिया और कहा कि उनकी आलोचना का उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि एनसीपी नेतृत्व के करीबी लोगों का ये मानना है कि संजय राउत बार बार उन पर निशाना साध रहे हैं। संजय राउत जो कभी पवार के चरणों में चरण वंदना करते थे, अब वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी लगातार संजय राउत को बीजेपी की तरह ही औकात दिखा रही है। पिछले काफी दिनों से एनसीपी और संजय राउत के सुर एक दूसरे के विपरीत हैं। अजीत पवार समय समय पर संजय राउत को फटकार लगाते हैं तो संजय राउत भी बाप तक की बात ले आते हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। अब एक बार फिर से दोनों की बयानबाजी हुई है और जिस तरीके की बयानबाजी हुई है वो आपने देख लिया, किस तरीके से थूक और पेशाब पर संजय राउत और पवार भिड़ गए हैं।